उषा दीदी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षिका है। दीदी अपने पति श्री रमेश व्यास के साथ में UHV कंटेंट से 2016 से जुड़ी है। दीदी मध्य प्रदेश में जो राज्य आनंद संस्थान के जो इनिशिएटिव चले उसमें भी दीदी दीदी काफी भागीदारी है। तो दीदी आपका स्वागत है, आप शुरू कर सकते। जी, सभी को नमस्ते। कुमार भैया नमस्ते, शर्मिला देवी नमस्ते, आपको नमस्ते, सभी UHV टीम को नमस्ते और सभी हमारे जुड़े हुए साथियों को प्रणाम नमस्ते। मैं उषा व्यास, जैसा कि भैया ने मेरा इंट्रो करा ही दिया है, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल मारुताल दमोह में शिक्षिका हूँ और मेरे हस्बैंड रमेश व्यास प्राचार्य के पद पर हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह में ही पदस्थ है। हम दोनों पति पत्नी मध्य प्रदेश दमोह में ही निवासरत हैं। राज्य आनंद संस्थान से 2016 से जुड़े हुए हैं और जिसमें हम अपनी भागीदारी कर रहे हैं, और UHV में मैं जुलाई 2021 से राज्य आनंद संस्थान के माध्यम से जो UHV की वर्कशॉप ऑनलाइन आयोजित की गई थी उसमें मुझे जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राज्य आनंद संस्थान अरगल सर और सत्या सर के प्रति बहुत ही कृतज्ञ हूँ और लगातार UHV के प्रति भी मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और मैं इसमें गति कर रही हूँ। तब से लगातार मेरी भागीदारी है और मैं साप्ताहिक मीटिंग मॉर्निंग सेशन में 2021 जुलाई 21 से ही मैं मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रही हूँ और मैंने ऑफलाइन वर्कशॉप भी भोपाल में की थी और CM राइज मॉडल स्कूल और UHV और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है मैं उसका एक हिस्सा हूँ। तो ये मेरे दो बेटे हैं और दोनों इंजीनियर हैं और बहू है। अभी मैंने पिछले दिनों बेटे की शादी की थी। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब मैं अपनी बिंदुवार शेयरिंग करती हूँ। अभ्यास एक कल्पनाशीलता में चल रहे इच्छा विचारों और आशा को जब देखती हूँ तो तब तो ध्यान जाता है, और लेकिन जब मैं अचानक से प्रतिक्रिया दे देती हूँ या सामने मेरे अनुसार मेरी इच्छा आशा के विपरीत कुछ होता है तो मेरा ध्यान तब ज्यादा जाता है। अनुकूल परिस्थिति में ध्यान नहीं जाता। हाँ, कभी कभी बहुत सुखद आवेश में भी जो दिखता है, अनुकूल परिस्थिति में जो सुख का अनुभव होता है वो मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो देखती हूँ कि ये वास्तव में मैं की आवेश तो नहीं हूँ, पर मैं देखती हूँ तो मेरा सहज स्वभाव सहज स्वीकृति बनती है, तब मुझे ज्यादा आराम मिलता है। परंतु प्रतिकूलता में ही मैं समझती हूँ कि मेरी परीक्षा है और तब मैं देखती हूँ कि मेरी प्रतिक्रिया हो जाती है और मैं स्वयं में दुखी हो जाती हूँ। मेरा मैं बीमार दिखती दिखता है, संघर्ष विरोध दिख जाता है, लेकिन ये कम हुआ है ये मैं कह सकती हूँ। और जब ऐसा मैं ध्यान देती हूँ तो मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ और मेरी स्थिरता मैं स्थिर रहती हूँ। यदि दूसरे के व्यवहार से दुखी भी होती हूँ तो उन भावों को भी देख पाती हूँ, लेकिन मैं अपनी कड़वाहट नहीं होती जो कई दिनों तक रहती थी जब UHV से नहीं जुड़ी थी। तो मेरे शब्द थे, इन्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी, परंतु मैं अब बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल मेरे ये शब्द मेरे जीवन से निकल गए हैं, और क्योंकि मेरे अंदर मूल चाहना मर विश्वास जमा है और हमारे संबंधों के प्रति आश्वस्त हुए हैं हम, और जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करने का भाव बनता है बना रहता है। योग्यता की कमी मैं देखती हूँ तो जहाँ दूसरे की योग्यता की कमी दिखाई देती है मैं उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं अपनी ही तरफ से उस संबंध की तरफ अपना हाथ बढ़ाती और उभय सुख के लिए कार्यक्रम बनाने का प्रयास मेरा बढ़ने लगता है। सही भाव के साथ सुख की निरंतरता है तो मैं अपने में सही समझ और सहज स्वीकृति से व्यवस्था में रह पाती हूँ और इस व्यवस्था के साथ मैं अपने सहस्तित्व को भी देख पाती हूँ तो संबंध के भाव में जीना हो पाता है और ये मुझे दिखता है। और
इसी तरह जब मैं मुझे दिखता है तो मैं मेरी मतलब जो कार्य करने की क्षमता है वो और ज्यादा उसमें मैं देखती हूँ कि बढ़ गई है और मुझे आराम मिलता है। बहुत सारा काम करने के बाद भी मेरा मन सहज ही रहता है। और अब मैं अभ्यास नंबर इसी का पॉइंट 2 है, और जब ये दिखता है तो संबंध का भाव ही मुझे सहज स्वीकार्य होता है। विरोध का भाव तो सहज स्वीकार नहीं है। संबंध के भाव के साथ मैं सभी को अपना समझती हूँ। और तीसरा पॉइंट, जब ये होता है तो मैं आराम में ही रहती। और लेकिन अभी भी पिछले दिनों कुछ मेरे भाव बिगड़े और मैंने अपने आप के अंदर विरोध देखा। शायद कुछ दूसरों से ज्यादा इच्छा आशा का हमारा जो भाव था वो ज्यादा था। जब वो पूरा नहीं हुआ तो मैंने देखा कि मैं बहुत व्यथित भी हुई हूँ, दुखी भी। परंतु जैसे ही जब इस पर ध्यान गया तो मैंने देखा कि मैंने अपने भाव को ठीक किया और उनके प्रति मेरा भाव करुणा से भर गया। अब पॉइंट 4, जो भी विचार चलता है उसका निर्णय मेरा स्वयं ही, बाह्य परिस्थिति या दूसरा व्यक्ति नहीं। जब मैं ये देखती हूँ तो कभी कभी मुझ में ये दूसरे का जो शब्द आते हैं उसका प्रभाव पड़ जाता है और ध्यान नहीं दे पाती हूँ, मेरी प्रतिक्रिया हो जाती। लेकिन इसमें तुरंत ही मुझे जब मैं देखती हूँ तो मैं अपने आप को संभालती। और जैसे शरीर पर भी कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जो पहले ज्यादा मैं डिस्टर्ब रहती थी, अधिक ठंड लग गई तो उसमें परेशान हो गई, अधिक गर्मी हो रही है तो उसमें परेशान। अब मैं देखती हूँ कि मैं इस बात में इसका प्रभाव नहीं पड़ता मेरे में पर, तो मैं उस माहौल में रह पाती हूँ। और कई बार मैं देखती हूँ कि ये जो मैं चला रही हूँ मेरी ही जिम्मेदारी है। अधिक समय तक नहीं चलते, गहराई में नहीं ये विरोध रहता है। दूसरे को अपने जैसा ही मानती हूँ तो संबंध के भाव में चलने लगते हैं। मूल चाहना तो सभी की एक सी है। पॉइंट नंबर 5, जो विचार चल रहे हैं चलते हैं उन पर जब ध्यान देती हूँ तो पकड़ पाती हूँ कौन सा भाव चले। ये मेरे ऊपर ही मेरी जिम्मेदारी है। और जब मेरी सहज स्वीकृति के साथ विचार मेरे होते हैं तो मैं निरंतर आराम में और व्यवस्था में, संगीत व्यवस्था में रहती। हाँ, मान्यताओं के बंधनों से पूर्णतः मुक्त तो नहीं हुई हूँ, पर हाँ उसकी ओर बढ़ रही हूँ और सहज स्वीकृति से निर्णय ले पा रही हूँ। तो आराम मिल रहा है और जीवन मेरा आनंदित हो रहा है। बाहर जब मान्यता, किसी मान्यता को हम बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ सामने समाज का विरोध भी सहन करना पड़ता है। पर जब खुद में समाधानित होती हूँ तो आराम में रहती हूँ और सभी के साथ संबंध को देख पाती हूँ। जैसे अभी अभी मेरे घर में पिछले दिनों कुछ समारोह रखा था। हमारे कुछ बिल्कुल रिश्तों ने अपने शरीर रूपी तो वो मेरे यहाँ उपस्थिति दर्ज की उनने, लेकिन अंतर्मन उनका मैं नहीं शायद इस चीज से सहमत था। परंतु उनके मैंने देखा, अपने भाव को देखा कि मैं उनके आने के लिए उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, ऐसे मेरे भाव थे। लेकिन जब उस समारोह के बाद जो भी प्रतिक्रियाएं वहां से आ रही हैं उनको लेकर के मेरे मन में बहुत द्वंद भी चला। और जब ध्यान नहीं गया तो मैं मेरी प्रतिक्रिया भी हो गई। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं यूएसबी से जुड़ी हूँ तो ये क्या है, कभी कभी ये द्वंद चलने लगता है कि मैं शायद 0 हूँ अभी भी। तो जब ध्यान जाता है तो मैंने अपने भाव ठीक किए और सहज स्वीकृति से उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया और सबसे सॉरी बोला। और अभी भी मैं इसमें प्रयास कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी सी बातचीत नहीं हो रही है, पर मेरे भाव बिल्कुल सहज हैं और संबंध पूर्वक मेरे अपने भाव हैं और मैं इसकी ओर गति कर रही हूँ। और उनके प्रति मेरे अंदर किसी भी प्रकार का संघर्ष या विरोध नहीं है क्योंकि उनके अपने धरातल हैं और ये मेरी जिम्मेदारी है कि उनको यूएचबी की ओर मोड़ा जाए, इस कंटेंट को वहां तक पहुंचाया जाए। तो
इच्छा आशा शायद उनकी पूरी नहीं हुई है, वो भी कुछ चाहते होंगे हमसे जिस पर शायद मैं ध्यान ना दे पाई। मैंने जब इस तरह अपने विचार चलाए, भाव चलाए सह स्वीकृति के साथ मेरे भाई हुए, तो मुझे संबंधों के साथ उनका संबंध दिखाई दिया। सिक्स पॉइंट, संबंध का भाव ही मुझे सहज स्वीकार है, इसलिए मैंने ये सब प्रयास किया। सहस्तित्व व्यवस्था, सहस्तित्व से ही मेरे अंदर व्यवस्था है, स्वयं से मैं भी और बाहर भी देख पाती, लेकिन जब नहीं देख पाती तो प्रकृति, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रतिक्रिया नहीं होती, पर प्रतिक्रिया में बहुत कमी आई है। घर में भी जैसे हम दोनों में कभी कभी प्रतिक्रिया हो जाती है, पर बिल्कुल 99% कम हो गई है, 1% अभी भी कार्य चल रहा है। फिर घर पे भी कभी कभी मतभेद हो जाते थे, तो उस पर लगाम लगी है और जीने में आनंद आ रहा है, मैं देख पा रही हूँ। सहज प्रकृति के साथ मुझे बहुत ही प्रेम हो गया है, पहले भी था पर इतना नहीं था, अब तो मैं एक एक चीज, उसके पेड़ के पत्ते, हरे पत्ते, पीले पत्ते, सभी को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। मेरे स्कूल में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था, उसको जब वो निकाला, क्योंकि वहां बोर्ड सुधारना था, तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ मुझे, पर उससे मैं क्या कर सकती थी। मैंने उसको तुरंत दूसरी जगह स्थान दिया, वहां पानी रखा एक कटोरे में, कि पानी पीने के बहाने वो यहाँ आकर के बैठने लगे। तो इस तरह से मैं देख पाती मैं क्या कर सकती हूँ। बच्चों को, क्योंकि मैं टीचर हूँ, बच्चों के बीच देखती हूँ, तो मैं बच्चों के बीच भी सहभागिता को देख पा रही हूँ। बच्चे मुझे बहुत, मैं मुझे खुद आश्चर्य होता कि मुझसे इतना लगाव क्यों बच्चे देखते हैं। एक बच्चे ने मुझे आकर के अपने अलग से बुला करके मुझे अपना एक इच्छा बताई, हालांकि यहाँ मंच पर नहीं बोलना चाहिए। उसको कोई एक लड़की पसंद है, ये बात इतनी निजी है उसकी कि मुझे बताया। तब मैंने अपना उसको माँ की तरह उसको समझाया कि अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है बेटा, ये सब तो होता रहेगा पर अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। इस तरह से मैं देखती हूँ कि बच्चे मुझे टीचर ही नहीं, एक माँ के रूप में देखने लगे हैं। तो ये मेरा है बच्चों के बीच। अब 7 पॉइंट, स्पष्ट दिख रहा है कि मेरा भाव व्यवस्था और सहस्तित्व में है, तभी मैं आराम में रहती हूँ, अन्यथा स्लिप भी हो जाती हूँ। प्रकृति के साथ तो नहीं, पर लोगों के साथ हो जाती हूँ तब मैं, पर यह है कि ग्लास कितना क्लीन है, उसके अंदर कितने धूल के कण आ गए हैं, वो ऊपर उठते हुए मुझे दिखाई देते हैं जब मैं यूएच सहज स्वीकृति के साथ, सही समझ के साथ आगे बढ़ती हूँ, तो वो कण बाहर निकलते हुए मुझे दिखते हैं। ये मेरी यात्रा है। और अब मैं अभ्यास नंबर दो, मैं और शरीर, ये दोनों अलग अलग हैं। मैं का साधन शरीर है, और ये कंटेंट जब मेरे बीच मेरे को मिला, यूएचबी के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, तो मैंने देखा कि पहले मैं शरीर को ही मैं मानती थी, और बहुत जल्दी बाहर चीजों का असर हो जाता था और शरीर पर, मैंने देखा कि ये मैं का एक साधन है, मैं को चलाने के लिए शरीर और मैं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, हो रहा है। तीसरा पॉइंट, इस तरह जब दिखता है तो किस संवेदना को कितना पढ़ना है ये मैं ही निर्णय लेती हूँ। उस संवेदना से दूर मुझे कुछ कुछ दिखाई देने लगा है, कुछ कुछ क्या कहें कि बहुत ज्यादा, मतलब लगभग पूर्णता से मैं दिखाई देता है कि मेरा मैं और शरीर अलग अलग, क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मैं बिल्कुल स्थिर रही थी, अन्यथा मैं बहुत जल्दी घबराने वालों में से थी, और मैंने अपने शरीर को संभाला, और जब मैं स्थिर रहा तो मैं उस चीज से निकल आई, और बहुत ज्यादा मतलब घबराहट नहीं हुई मुझे। और जब व्यक्ति खुद ही नहीं घबराता तो सामने वाले व्यक्ति भी नहीं परेशान होते। 4 पॉइंट, किस संवेदना को नहीं पढ़ना है इसका निर्णय भी मेरा ही है, और शरीर तो एक जड़ ही है, और शरीर को चलाने की जिम्मेदारी भी मैं की है। तो इस तरह से मैं अपने मैं को ठीक रखती हूँ तो शरीर भी निरंतर कार्य करने के लिए बना रहे। बाह्य प्रभाव कम हुआ है, पड़ता है, पर ध्यान जाने लगा है। अब जैसे कि कभी किसी की लड़ाई वगैरह या झगड़ा वगैरह कहीं होता है तो मैं समझाने का प्रयास करती हूँ, या न्यूज वगैरह में जैसे हम पढ़ लेते हैं कोई नेगेटिव खबर, तो उसका प्रभाव पड़ता है मुझ पर और मैं दुखी होती हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ।
पर मैं देखती हूँ कि मैं बस प्रार्थना कर देती हूँ कि ऐसा ना हो, जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह या कुछ किसी भी प्रकार की हानि तो मेरे पर असर पड़ता है। खास तौर से फौजी लोगों का जब नुकसान होता है तो उनके प्रति मैं बहुत बहुत मतलब विचलित अंदर से दुखी हो जाती हूँ। बहुत प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से, इस तरह मैं अपना संबंध देख पाती हूँ। और 6 पॉइंट, परतंत्रता कम हो रही है, सजगता दिखने लगी है, ये तो स्पष्ट ही है। और परतंत्रता है अभी कभी कभी, जैसे दूसरे का व्यवहार, ध्वनि, शब्द, ये सब बहुत एक रासायनिक घटनाएं असर डाल रही है, पर इनका कोई, मैं कह सकती हूँ, प्रतिशत बहुत ही कम बचा है। हाँ, त्वरित शब्दों को यदि ध्यान देता है देती हूँ तो बिल्कुल असर नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान नहीं दे पाती हूँ तो कुछ विरोध संघर्ष आ जाता है, पर कम हुआ है। चाहे वो घर में हो या बाहर। हाँ, ध्वनि की ओर मैं देखती हूँ कि ध्वनि का को मैं ही निर्णय से पढ़ती हूँ कि जितना पढ़ना है। मेरे स्कूल का स्टाफ 25 का है और मेरी मेरे स्टाफ में मेरे बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है और मैं अपने जिम्मेदारी को समझ रही हूँ और सही व्यवस्था में जीने के लिए मैं खुद व्यवस्थित होती हूँ। संबंधों में निकटता आई है और काम करने का ये जो प्रतिशत है, योग्यता है, वो बढ़ रही है। और 7 पॉइंट, यूएचबी के ज्ञान के रूप में ये सूचना मिली कि शून्य है, शून्य के सह अस्तित्व में हूँ, निरंतर क्रियाशील हूँ। जब ये ध्यान जाता है तो वास्तव में मैं देखती हूँ कि मुझे बस मैं ज्यादा मुझे नहीं है समझ में आ रहा है कि मैं शून्य को समझ पाई, पर ये मैं देखती हूँ कि जैसे कि कहीं से यहाँ 2 इकाइयों के बीच गैप तो है ही, तब तो हमारी बात एक दूसरे को के प्रति जा रही है, तो हम सब इस शून्य के ही अंश हैं, तो शून्य में समाये हुए हैं, तो हम सब एक हैं। तो ऐसा जब मैं कल्पनाशीलता में चलाती तो मुझे सभी अपने ही लगते हैं, जैसे हमारे सभी भाई बहन, तो अच्छा लगता है। इस तरह मैं शून्य को देख पाई हूँ। तो इस तरह से मेरी ये दोनों अभ्यासों पर, अब लास्ट का जो 4 पॉइंट है, सुख स्वभाव है या प्रभाव, तो मैंने बताया है कि मेरा प्रभाव कम हुआ है, परंतु मैं ये नहीं कह सकती पूर्णतः खत्म हुआ है। हाँ, स्वभाव की ओर जरूर मैं बढ़ रही हूँ और मैंने इसमें गति की है। प्रभाव अभी भी हो जाता है, जैसे कि वही मैंने जो कहा था कि कहीं भी कुछ बुरा देख लेती हूँ, तो पहले क्या होता था कि मैं उसके प्रति बहुत विरोध निकल जाता था, प्रतिक्रिया से विरोध से भर जाती, लेकिन अब ये विरोध कम हुआ है। जैसे न्यूज में पढ़ते ही मान लो भ्रष्टाचार की कोई खबर पढ़ लेती हूँ आसपास या कहीं, तो मैं जिसने किया उसके प्रति बहुत ज्यादा विरोध होता था और कुछ भी कह देती थी आसपास के लोगों से। लेकिन अब बुरा तो लगता है, लेकिन उसके लिए अब भाव नहीं बिगड़ती, बस ये लगता है कि बस यूएचबी कोर्स उसको करा दिया जाए तो शायद ये ना काम ना करता। उसकी योग्यता की ये कमी मैं देखती हूँ और पर मैं प्रयास करती हूँ, मेरे बच्चों में ये जा रहा है और मैं मुझे लगता है, मैं आश्वस्त हूँ कि मेरे बच्चे यदि बड़े नागरिक के रूप में आगे आएंगे तो शायद उनके बीच ये चीजें कम दिखेंगी। और पोषण का, मैंने अपनी आवश्यकताओं को जाना, जैसे अभी किसी समारोह मान्यताओं को से मैं मुक्त हो रही हूँ। मान्यताएं हैं कि बहुत ज्यादा किसी समारोह में किसी को गिफ्ट दी जाती हैं और मैं कुछ लोगों को मैंने मना भी किया कि ये सब नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा क्या करेंगे। वो कमी भी आई पर मैं रोक तो नहीं पाई, पर मेरा निरंतर इसमें प्रयास है। मैं स्वयं अपने कपड़ों को देखती हूँ तो मुझे एक वो लगता है कि ये बहुत मतलब कि ये ठीक नहीं है और अब मैं बहुत कम देखती हूँ, खरीदती हूँ, मैं दूसरे के लिए जरूर करती हूँ। तो दूसरे के प्रति हेल्प की भावना पहले भी थी पर अब बहुत बढ़ गई है। अभी शादी वगैरह समारोह चलते हैं तो उसमें ना लेने का देने का कम प्रयास किया है, देने का ही प्रयास, देन देन का भाव मुझ में लगा है, जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना देने का भाव रहता है हमेशा। अभी भी अपने कुनबे में ही काम बढ़ाना है, करना है। तो इस तरह मेरी ये, मैं अपनी बात पूरी कर चुकी हूँ।
स्कूल के बच्चों में जा रही है बात मेरी, और विवेक नाम का एक लड़का है मेरी क्लास में 11th में, तो उससे वो आया नहीं था स्कूल, मैंने अचानक उसको फोन किया तो उसने कहा मैडम मैं बाजार में हूँ इसलिए नहीं आ पाया। मैंने कहा क्यों, तो बोले मैं कपड़े खरीदने आया हूँ। तो हमने कहा क्यों खरीद रहे अभी कपड़े, तो उसने कहा कि मैं अभी नवदुर्गा आए तो उसमें नए कपड़े, तो मैंने क्या हर त्योहार पे नए कपड़े पहनते हो, यदि हमारे वो कपड़े हैं कितनी आवश्यकता है तुम्हारी, तुम्हारे पास कितने जोड़े हैं, तो उसने बताया 20 जोड़े हैं। तो मैंने कहा ये तुम ही बताओ कि ये पर्याप्त है या नहीं तुम्हारे लिए, तो उसने कहा ठीक नहीं पर्याप्त है फिर भी नए त्योहार पे। हमने कहा तुम्हारे माँ बाप इतनी क्या करते हैं, ये सब मुझे मालूम था उसका बैकग्राउंड। तो मैंने कहा जब माँ बाप इतनी मेहनत से तुम लोगों को पढ़ा लिखा रहे, अनावश्यक कपड़े क्या तुम्हारे लिए जरूरी। उसने कहा नहीं मैडम, तो और इसका वो ये हुआ कि वो बिना कपड़े खरीदे आया और बहुत खुश था, और मैं आकर मेरे पैर छुए उसने, और मैंने उसको थैंक यू बोला, और इस तरह से बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। और ये बात मेरी अनायास ही आनंद विभाग के सत्रों में कब USB कंटेंट आता है आ जाता है, बच्चों की क्लास में पढ़ाते हुए कब आ जाता है, मेरे जीवन में कैसे बह रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। तो जहाँ तक मेरी समय देने का मेरा है, तो मेरा तो 24 घंटे में इसमें लगी हुई हूँ, और मैं अपने बच्चों में जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ इसको लगातार प्रयास कर रही हूँ। तो इतनी ही मेरी शेयरिंग है, एंड थैंक यू भैया। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भागीदारी के बारे में दीदी और कुछ बताएं, अभी स्पष्ट रूप से क्या क्या भागीदारी कर रही है, किन गतिविधियों में भागीदारी है? जी, जैसे हम राज्य आनंद संस्थान की ओर से मुझे मतलब दमोह जिला मिला है, तो जो आनंद सभा के माध्यम से जो बच्चों में वर्क बुक वगैरह जो जा रही गई हुई है स्कूल्स में 9th से अभी तो 10th के बीच ये काम हो रहा है, अब इस साल 11th और 12th में होने वाला है, तो ये सीएम राइज और मॉडल स्कूल में जो आनंद सभा के माध्यम से ये जा रहा है बच्चों के बीच, तो उन सीएम राइज और मॉडल स्कूल की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है कि वहां पर आप वहां क्या प्रगति हुई है, कितना कंटेंट जा रहा है, तो वो मैं मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और मैं अपने स्कूल में भी ये कर रही हूँ, तो ये है अभी कर रही हूँ मैं भैया जी। जी, उषा जी बहुत ही अच्छी रही, प्रेरणादायी सभी। एक छोटा सा, एक जगह या एक दो जगह आपने, आपको तो सभी से संबंध दिखाई दे रहा, लेकिन एक दो जगह आपने इच्छा आशा के स्तर पे कुछ विरोध महसूस होता ऐसा बोला है, थोड़ा इस पे थोड़ा क्लैरिटी देंगे प्लीज? थैंक यू जी भैया, जैसे कोई एक कार्यक्रम किया था मैंने, तो जी। उसमें मेरे जो अपने ही मेरी सिस्टर्स वगैरह हैं उनसे मैंने शायद बहुत ज्यादा अपेक्षा या आशा रखी थी और उतना उनका योगदान नहीं मिला, तो उसकी बात मैं कर रही थी कि मुझे मेरी इच्छा और आशा थी उनसे पर वो पूरी नहीं हुई, मैं दुखी हुई उस वक्त, और उन लोगों को भी होगी मुझसे, तो उन लोगों की अपनी आशाएं इच्छाएं अपेक्षाएं होंगी, ये बोला था मैंने, तो जी वो जी भैया थैंक अच्छा, यू, वो मतलब जो प्रोग्राम करने गए मैं वो तो ठीक कर सुख पा सुख के साथ किया, लेकिन वो कुछ वो तो हाँ, उसके बाद जो सुनने मिल रहा है ना, तो उसमें थोड़ा जी। सा मेरे अंदर द्वंद्व चला, दुख हुआ मुझे, पर ठीक, मैं अब बिल्कुल सहज हूँ, सहज जी स्वीकृति के बढ़िया, साथ वो तो बोल दिख रहा है आपके शेयरिंग से दिख रहा है। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को, धन्यवाद, भी किया नमस्ते। नमस्ते। तो उषा दीदी की शेयरिंग के बारे में कहें तो काफी बढ़िया, उन्होंने पूरी शेयरिंग रखी और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा का काम चल रहा है उसको लेकर जिम्मेदारी भी है। अच्छी बात है कि भैया भी जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी सुन रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने आपस में संबंधों के बारे में कहा, जिस तरह से उसमें रिएक्शन कम हो रहे हैं, जिस तरह से हार्मनी बढ़ रही है, और इंदुआ ढंग से भी काफी हद तक दीदी ने रखा कि इस तरह से भाव से विशेषता बनती है, और स्कूल के बच्चों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपने संबंध को देख पा रही है, तो बहुत ही सुखद संभावना है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि बारीकी की जरूरत है,
भाव को और सुंदर जी रूप में जी देख पाए, अपने संस्कारों का और ठीक से मूल्यांकन कर पाए। तो अभी जो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है हमारा दृष्टि बाहर की ओर, उससे समेट कर जी और जी भीतर ले जा सकते हैं, उससे मुझे लगता है थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। आप इस बार इस बैच में पूरे समय सुन पाए दीदी, सुबह के समय में? जी जी भैया, मैं पूरे समय रही हूँ भैया, और मेरे पास चूंकि पूरा लगातार जुड़ती हूँ तो समाधान तो है मेरे, जहाँ विरोध या प्रतिक्रिया होती वहां में मुझे दिख जाता है, मैं क्वेश्चन कम करने लगी हूँ, पर मैं रोज यानी अटेंड पिछली बार करती आप हूँ। जो आपकी जो पिछली जी बार जी शेयरिंग हुई थी उसके मुकाबले जी ये दिखाई दिया कि बार गंभीरता आपकी बढ़ी है, जी परंतु तो अभी भी थोड़ी दृष्टि बाहर की ओर ज्यादा है, उसे समेट कर स्वयं जी में और केंद्रीकृत करना है। हाँ, थोड़ा संस्कारों की ओर जी ध्यान जाए, किसके भाव के परिमार्जन की ओर ध्यान जाए और अच्छा रहेगा। और भागीदारी के लिए मुझे लगता है कि जैसे आपके पास सीएम राइज स्कूल की जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है वहां जो वर्कशॉप हो रहे हैं उसमें भी आपकी कुछ जिम्मेदारी रहती होगी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज जी करने की। जी भैया, मुझे चूंकि अभी ऐसा आदेश नहीं है कि स्कूल से नहीं निकल पाती, बाकी मैं चाहती हूँ कि यहाँ बात रखना कि सप्ताह में एक दिन आनंद सभा होती है स्कूल्स में और बच्चों के बीच शनिवार को, तो वो यूएचबी की जो वर्कबुक है उसमें से बच्चों की 1 घंटे की क्लास ली जाती है और ये कंटेंट बच्चों में पहुंचाया जाता है। बच्चे बहुत खुश हैं ऐसी मुझे मतलब रिपोर्ट मिलती है, और यहाँ के मॉडल स्कूल सीएम राइज स्कूल दमोह लोकल दिया है मुझे। मैं जा तो नहीं पाती भैया क्योंकि मैं अपने स्कूल में रहती हूँ, परंतु यदि कुछ ऐसा आदेश मिले कि हफ्ते में एक दिन आप वहां जा सकती हो तो मैं स्कूल से निकल सकती हूँ। जी भैया, जी बढ़िया, मुझे हाँ लगता है दीदी जो वीकली मीटिंग्स होते हैं उसको आप ज्वाइन करती हैं बिल्कुल, मैं उनको मीटिंग्स ज्वाइन ऑनलाइन। करती हाँ, हूँ। जी उसमें आप कोई डेमोस्ट्रेशन भी देना शुरू करें वीकली जी जी मीटिंग्स मॉडरेशन होते तो हैं उसमें। किया है भैया, मैंने 2 4 बार मॉडरेशन का काम किया है उसमें मीटिंग में, अभी मैं जुड़ती हूँ लगातार। जी भैया, आने में थैंक यू डेमो भैया। सेशन हुआ करते हैं, जी डेमो सेशन हुआ करते हैं जिसमें हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, वो भी आप थोड़ा, अच्छा क्योंकि बच्चों के सामने हम बात रख रहे हैं ना तो हम कितना सटीक ढंग से रख पा रहे हैं उतना मूल्यांकन नहीं हो पाता, परंतु एक पार्टिसिपेंट के ग्रुप के सामने रखते हैं तो हमारी और पकड़ बनती है और लोग थोड़ा ध्यान आकर्षण भी कराते हैं, उससे और गति बनती है। तो डेमोस्ट्रेशन अगर आप देना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और कोई तैयारी हो जाए तो संडे मॉर्निंग को जो डेमोस्ट्रेशन होते हैं उसमें भी आप आ सकते हैं। जी भैया, मैं उस संबंध में बात कर लूंगी आपसे या किसी यूएचबी मेंबर से, पार्टी यशवंत भैया जी भी हैं उनका नंबर भी है, तो मैं इसकी जानकारी ले लूंगी, मैं जरूर करना चाहूंगी डेमोंस्ट्रेशन। थैंक यू भैया, आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हम हूँ। सभी थैंक एक दूसरे प्रति कृतज्ञ हैं दीदी, सब एक दूसरे के विकास में सहायक हो रहे हैं। यू, थैंक बढ़िया। यू भैया।